hello students today we are going to learn a chapter from your science subject that is chapter number 9 motions and types of motion so in this chapter we are going to learn about the motions means movement and the different different types means uniform motion circular motion non uniform motion linear motion etc etc so let's start the chapter motions and types of motion in our one day to day life we see many moving objects So, moving objects are said to be objects in motion so hum log daily dekhte hain sab objects move ho jata hai so moving objects ko hum log dekhte hain जो objects move हो जाता है और एक place से दूसरे place में change करता है उसका place, उसको हम लोग क्या बोलते हैं objects in motion. Vi object dekhte. if it is in motion, then it is called as objects in motion. Discuss which objects in the above pictures are in motion. What differences are seen in their motion? So look at these pictures. So a boy kicked the football and here it is a spinning top and a boy playing with a ball and here airplane and potter makes pot on. बीट सो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट मूविंग में है बॉल स्पिनिंग टॉप एंड दिस एयरप्लेन एंड दिस बॉल एंड दिस व्हील सो ये मूव हो रहा है मीन्स ये कैसे मूव रहा है ए मूव हो रहा है एक पॉइंट में मूव हो रहा है एज सर्कुलर सो एक ही पॉइंट में ऐसे ऐसे घूम रहा है एंड हियर दिस बॉल व्हेन दिस बॉय किक दिस बॉल ट्रांसफर इज प्लेस और चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर सिमिलरली यहाँ पे ये लड़के ने क्या किया है बॉल को ऊपर फेंका है तो वो क्या हो रहा है नीचे गिर रहा है एंड सिमिलरली दिस एरोप्लेन फ्लाई सो दिस इज ऑल्सो इन मूविंग पोजिशन सिमिलरली दिस व्हील व्हील रोटेट होता रहता है सो so, वो एक ऐसे रोटेशन में घूमता रहता है सो इट इज ऑल्सो इन मोशन सो मोशन while waiting वेटिंग फॉर अ बस एट बस स्टॉप अदर व्हीकल to टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन जब हम लोग बस स्टॉप में खड़े रहते हैं हम लोग को बाकी व्हीकल कैसे दिखता है मूव हो रहा है लाइक इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन बाइक जा रहा है कार जा रहा है ऐसे सब जा रहा है ऐसा दिखता है ऑन द अदर हैंड वेन यू आर इन मोशन योर सेल्फ अ स्टिल ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मूविंग फॉर एग्जाम्पल द ट्रीज आर सीन टू रन बैकवर्ड वाइल यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन जैसे कि हम लोग कोई व्हीकल में जाते रहते हैं हम लोग को कैसे दिखता है कोई भी ऑब्जेक्ट भाग रहा है ऐसा दिखता है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस गर्ल शी इज सिटिंग इन ट्रेन तो ट्रेन मूव हो रहा है तो तब उन लोगों को कैसे दिखता है कि पेड़ वहाँ पे जो है पेड़ बैक साइड में जा रहा है घर बैक साइड में जा रहा है या जो भी ऑब्जेक्ट जो स्टिल पोजीशन में है फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन हो तो जो भी है जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है वो भी ऑब्जेक्ट हम लोग को कैसे दिखता है वो बैक साइड में भाग रहा है ऐसे दिखता है सो ह्योर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग बट वी फील लाइक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है लाइक like, यहाँ पे लड़की बैठी है पहले ये पेड़ इधर था जब वो ट्रेन आगे जाता है तो पेड़ ऐसे पीछे पीछे जाता है सो so, लाइक like, so, हम लोग बस में भी बैठते हैं तो ऐसे दिखता है कार में भी बैठते हैं तो ऐसे दिखता है सो so, अगर हम लोग खड़े रहते हैं तो दूसरे गाड़ी आगे जा रहा है ऐसा दिखता है अगर हम लोग किसी व्हीकल में जा रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है वो पीछे जा रहा है ऐसे दिखता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटीन्यूअसली द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन अगर हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट ऐसा दिखा तो वो कंटीन्यूअसली उसका प्लेस चेंज कर रहा है दैन इट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एज डिस प्लेसमेंट सो हम लोग क्या बोल सकते हैं चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे एक प्लेस में फॉर एग्ज़ाम्पल ए में है तो ये यहाँ जाके बी में पहुँच गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सो दिस चेंज ऑफ प्लेस इज कॉल्ड एज डिस प्लेसमेंट बिकॉज इट चेंजेस इट्स पोजिशन फ्राम ए टू बी तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ए में ये बस स्टॉप में खड़े हैं तो व्हीकल से हम लोग इस बस स्टॉप में गए सो वी चेंज आर प्लेस फ्रॉम ए टू बी सो दिस चेंजिंग पोजिशन इज कॉल्ड एज डिसप्लेसमेंट और चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटीन्यूसली अंडर गो जो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली प्लेस चेंज करता है वो कंटीन्यूअसली किस में होता है डिसप्लेसमेंट में

Next, we are going to learn about the types of motion. So motion may be bosser or types, hai. place change can be boss change types. Hai. So types of motion. So types of motion. First type is linear motion. So what is linear motion? A train or a moving vehicle on road may travel in straight line or in the same direction. This मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एज लीनियर मोशन अगर कोई ट्रेन या व्हीकल रोड में स्ट्रेट जा रहा है इधर उधर घूम नहीं रहा है एंड uh, और इफ़ इट इज़ मूविंग इन सेम डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड ही जाता रहेगा बैकवर्ड नहीं आएगा या तो बैकवर्ड जा रहा है तो बैकवर्ड ही जाएगा सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड एज लीनियर मोशन

an object in linear motion shows displacement along a straight line so here the displacement is always in straight line so straight line displacement in linear motion why straight line displacement because it's move in same direction or straight line इफ़ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्राम योर हैंड इट फॉल्स टू द फ्लोर वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस सो अगर हम लोग चेयर में बैठे हैं या खड़े हैं एंड ऊपर से ऐसे बॉल को नीचे गिरा है तो वो क्या होगा सीधा नीचे गिरेगा सो दिस इज़ इन लीनियर मोशन वो ऊपर नहीं जाएगा सीधा नीचे ही गिरेगा सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड एज लीनियर मोशन सो लीनिया मोशन में मोशन कैसे होगा और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा इट इज इन स्ट्रेट लाइन और इट इज इन द सेम डायरेक्शन नेक्स्ट कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर्स ऑन परेड एंड अ गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड यहाँ पे एक परेड चल रहा है सो हियर सोल्जर्स मूव इन और दे आर इन मोशन ऑफ ऑन अ परेड सो हियर अ गर्ल कमिंग डाउन फ्रॉम द स्लाइड सो वी हैव टू कंपेयर दिस टू द मोशन ऑफ सोल्जर इन अ परेड इज सेम ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन अ स्लाइड डिफरेंस एज से यहाँ पर ये जो सोल्जर परेड में जा रहे हैं ना उनका स्पीड या उनका डायरेक्शन सब एक ही जैसा रहेगा ये आगे जाएगा ये पीछे जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं रहता सो दे आर इन सेम मोशन हवेवर द मोशन ऑफ अ गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म सो यहाँ पे ये लोग कैसे सेम स्पीड में सब जाते हैं सिमिलरली दिस गर्ल व्हेन शी केम डाउन फ्रॉम द स्लाइड सो इट नॉट लुक्स लाइक सेम द गर्ल कम डाउन फास्टर एंड फास्टर बिकॉज यहाँ से थोड़ा सा स्लो रहेगा और बाद में जब वो नीचे आएगी यहाँ पे फ़ास्ट फास्ट, फास्ट होके नीचे आएगी लेकिन इन लोगों का स्पीड या तो फास्ट रहेगा और स्लो ओनली सेम या तो फास्ट जाना है या तो स्लो ही जाना है अगर ये स्लो जा रहा है तो सब लोग स्लो ही जाएंगे अगर ये फास्ट जा रहा है तो सब लोग फास्ट ही जाएंगे लेकिन वेन दिस गर्ल कमिंग डाउन फ्रॉम द स्लाइड एट द टॉप शी इज़ इन स्लो पोजिशन बट वैन शी रीचेस टू द ग्राउंड हर स्पीड बिकम्स फास्ट सो वो इंक्रीज हुआ रहता है सो द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली सो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होता है लेकिन यहाँ पे स्पीड सेम रहता है द मोशन ऑफ अ मार्चिंग सोल्जर इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बिकॉज ऑफ द मोशन नो चेंज इज सीन ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ अ गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन सो लीनियर मोशन में दो टाइप है वन इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड द वन इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन यूनिफॉर्म मीन्स सेम यूनिफॉर्म का मतलब क्या है जैसे कि आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हो मीन्स सेम टाइप सेम ड्रेस सो यहाँ पे यूनिफॉर्म मीन्स सेम लीनिया मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वहाँ पर सेम नहीं रहेगा बिकॉज हियर स्पीड इज सेम इन दिस परेड बट यहाँ पर स्पीड क्या होता है फास्ट फास्ट होने लगता है स्पीड चेंज होता है दट इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन सो लीनिया मोशन देर आर टू टाइप वन इज़ यूनिफॉर्म लीनिया मोशन एंड अदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन so two types linear motions are so here uniform linear motion and non uniform linear motion when the distance transferred by an object along a straight line in unit time is continuously same the motion is called as uniform linear motion so this is important and this one is also important so this is the difference or definition so here डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ट्रांसफर्स बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन कैसे जाना है स्ट्रेट लाइन में ही जाना है एंड पर यूनिट टाइम इट इज़ कंटीन्यूसली सेम सो यहाँ पे स्पीड क्या रहता है सेम रहता है सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन सो वॉट इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन वेन द डिस्टेंस ट्रांसफर्स बाय अ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग

सेकेंड टाइप इज नॉन लीनियर मोशन पहला वाला था लीनियर मोशन सो विच इज़ इन द स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन सो उसमें टू टाइप था यूनिफॉर्म लीनियर एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर नेक्स्ट वन इज़ नॉन लीनियर मोशन मीन्स यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा सो so ये सर्कुलर हो सकता है ऑसिलेटर हो सकता है कोई भी डायरेक्शन में रह सकता है सो नॉन लीनियर मोशन नेक्स्ट नॉन लीनियर मोशन The motion of an object does not move in straight line is called as non-linear motion. If motion object motion of an object is in straight line, then it is called as linear motion. If it is not in a straight line, then it is called as non-linear motion. So non-linear motion may be of the following type. The swing always comes back from one end to the other end. It takes about the same time for each. स्विंग और ऑसिशन दिस मूमेंट ऑफ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिट्री मोशन सो ही ऑसिट्री मोशन यहाँ पे एक लड़की स्विंग कर रही है सो so यहाँ आगे जाके पीछे सो लाइक दिस ऐसे सो so आगे पीछे आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट कर रही है सो दिस टाइप ऑफ मूमेंट इज कॉल्ड एस ऑसिट्री और ऑसिट्री मोशन सो ही दिस मूमेंट ऑफ स्विंग इज कॉल्ड एस ऑसिट्री मोशन सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक क्लॉक में एक पेंडुलम जैसा रहता है वो ऐसे आगे पीछे आगे पीछे सब ऐसे, ऐसे मूव करता रहता है यहाँ पे यहाँ पे लाइक सो दैट इज द एग्जाम्पल फॉर ऑसिलेटरी मोशन द विंग्स ऑफ बर्ड द नीडल ऑफ अंग मशीन द वाइब्रेटिंग डायफ्रगम ऑफ अ तबला अ ड्राम are the example of oscillatory motion. so what are the example pendulum of clock, wings of bird, birds ka wings, needle of sewing machine, sewing machine mein jo needles rehta na wo upar niche upar niche jata rehta that is oscillatory. so similarly जो हमलोग tabla, drum जो रहता है उसके ऊपर एक layer रहता है ना that layer वो भी oscillate होता रहता है, vibrate होता रहता है. so that is are the example for oscillatory motion. So, definition for oscillatory motion: the motion of a body that is oscillating, that is swinging back and forth, is called as oscillatory motion. Back and forth means back and front, back and front. So, a uh, object is moving of oscillation or moving or swinging back and front, then it is called as oscillatory motion. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ सर्कुलर मैनर जो क्लॉक में हैंड्स रहते हैं ना सेकेंड हैंड मिनट हैंड आवर हैंड वो सब कैसे मोशन में है सर दैट इज इन सर्क्यूलर मोशन और सर्क्यूलर मैनर सिमिलरली अ फैन जेंट व्हील एंड मेरी गो राउंड कंप्लीट ईच राउंड एलोंग अ सर्क्युलर रूट जो भी जेंट व्हील है या फैन हो वो कैसे घूमता है सर्कुलर मोशन में सो so,

दैट सम ऑब्जेक्ट कम्प्लीट्स वन राउंड और वन ऑसोलेशन इन फिक्सड पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल द मिनट हैंड ऑफ़ अ क्लॉक कंप्लीट्स वन राउंड इन एग्जैक्टली सिक्सटी मिनट्स जो जो क्लाक में मिनट हैंड है वो एक रोटेशन कितने मिनट्स में कम्प्लीट करता है सिक्सटी मिनट में सिमिलरली सेकेंड हैंड सिक्सटी सेकेंड में रोटेशन कम्प्लीट करता है एंड अगेन वो स्टार्ट करता है फ्राम द वन तो एक बार सिक्सटी होने के बाद फिर से वन से स्टार्ट करता है वाइल अ मेरी गो राउंड ऑल्सो कम्प्लीट्स एवरी राउंड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम सच मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम कोई भी रोटेशन इफ़ इट इज ऑसिलेटरी और इफ़ इट इज सर्कुलर मोशन if it rotates or changes its position in same time then it is called as or that such type of motion is called as periodic motion so here non-linear motion made uh, types here oscillatory motion and uh, the circular motion so again one more type of motion that is periodic motion look at this picture so here they give some example वन एज दर्कस में जो गर्ल एंड बॉय है वो ऑसिलेट कर रहे हैं सो हियर इट एस एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन सिमिलरली दिस बर्ड्स बर्ड विंग्स ऑफ बर्ड सो वो आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता रहता है इट्स आस एग्जाम्पल फॉर ऑसिलेटरी मोशन सो हियर मेरी गो राउंड इट एस एग्जाम्पल फॉर सर्क्यूला मोशन This one is also example for circular motion because so rotation hota, rota is in circular manner. Fan is example for circular motion. This hands of clock are example for circular motion. But this pendulums are example for oscillatory motion. And this giant wheel are example for circular motion. So what is circular motion and periodic motion? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्क्यूलर पाथ इज़ कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन सो जो भी ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर पाथ में रोटेशन हो रहा है और चेंज कर रहा है और मूवमेंट हो रहा है द नेट इज कॉल्ड ए सर्क्यूलर मोशन सिमिलरली द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट एगेन एंड एगेन आफ्टर अ पिक्स फिक्सड पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन सो पीरियडिक मोशन इट एज एन ऑसिलेटरी और सर्क्यूलर मीन्स ह्य The object is passes in same position or same place after completing that uh, one rotation. First egg rotation, then rotation, as a rotation hota rather. Fit maybe oscillatory or circular. So that type of motion is called as periodic motion. So this is about the oscillatory motion, circular motion and periodic motion. Next, Next one is the random motion. वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन अलोंग डिफिनेट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम सो हम लोग बटरफ्लाई को चेज करने जा रहे हैं सो so, एक ही डायरेक्शन में जाते रहते हैं नो बिकॉज बटरफ्लाई सेम डायरेक्शन में नहीं जाता इधर उधर घूमता रहता है तो हम लोग बटरफ्लाई किधर जाता है उधर हम लोग जाते रहते हैं और बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लेट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर सो एक बार यहाँ पर रहेगा एक बार यहाँ पर रहेगा एक बार इधर एक बार इधर तो दिस गर्ल मूविंग रैंडमली वो बटरफ्लाई किधर जा रहा है उधर सब जा रही है सो हियर देर इज़ नो डेफिनेट डायरेक्शन टू दिस मोशन सच मोशन इज कॉल्ड एस रैंडम मोशन इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन दैन इट इज कॉल्ड एस लीनियर मोशन इफ द मोशन इज इन सर्क्युलर और ऑसिलेटरी पोजिशन दैन इट इज कॉल्ड एस नॉन लीनियर मोशन इफ द डायरेक्शन इज नॉट देर और द मोशन इज नॉट इन डेफिनेट डायरेक्शन दैन इट इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन सो हि द मोशन दट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड continuously इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन यहाँ पे डायरेक्शन भी continuously चेंज होगा एंड उसका स्पीड जो है वो भी कंटीन्यूस चेंज होगा डायरेक्शन आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह जा सकते हैं एंड स्पीड एक बार फास्ट एक बार स्लो हो सकता है so the, this type of motion is called as random motion one more example is the motion of the players in game of football is also a type of random motion the motion of a crawling baby or a wandering animal is also random motion so hockey the time be it is in uh, random motion so these are the example so football players crawling baby wandering animals are the example for random motion so these are the types of motion so there are uh, three types one is uh, linear motion another one is non-linear motion so non-linear motion and third one is random motion non-linear motion may two types are uniform linear non-uniform linear and uh, नॉन लिनियर मोशन में अगेन टाइप्स आर द ऑसलेटरी मोशन सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन एंड दस रैंडम मोशन सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्पीड ओके स्पीड अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट टू हंड्रेड किलोमीटर्स फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन फाइव आवर्स हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन वन आवर तो यहाँ पे Uh, एक बस जो है सोलापुर टू पुणे जा रहा है एंड इट कवर्स टू हंड्रेड किलोमीटर इन फाइव आवर्स सो फाइव आवर्स में कितना दूर गया वो टू हंड्रेड किलोमीटर सो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि एक घंटे में या वन आवर में हाउ मच इट कवर्स द डिस्टेंस सो हाउ टू फाइंड वाई सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी टेक द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रांसफर्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र दैट डिस्टेंस From this ratio, we come to know the distance transversed by the bus in one unit of time. हमें कैसे find out करना है distance जो है उसको time से divide करना है तो हमें क्या मिलेगा उसका speed या एक घंटे में कितना जाएगा वो हम लोग देख सकते हैं So here the distance का transversed by an object in unit time is called as speed of that object. तो speed मतलब क्या है द डिस्टेंस ट्रांसफर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम सो एक घंटे में कितना हुआ दैट इज हम लोग देखने के लिए क्या बोलते हैं स्पीड सो स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ट्रांसफर्स बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्टेंस तो उतना कवर करने के लिए कितना टाइम लगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सोलापुर टू पुणे जाने के लिए टू हंड्रेड किलो मीटर एंड उसका टाइम कितना हुआ था फाइव आर्स सो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फाइव वन जार फाइव फोर्टी सो एक घंटे में कितना किलोमीटर गया रहेगा फोर्टी किलोमीटर पर आर सो so, फोर्टी किलोमीटर पर आर गया था मीन्स फाइव आर्स में कितना हुआ टू हंड्रेड किलोमीटर सो so, फोर्टी किलोमीटर पर आर सो यूनिट ऑफ स्पीड स्पीड का यूनिट क्या रहता है किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकेंड अगर ये किलोमीटर में है तो उसका टाइम भी आवर में रहना चाहिए इफ़ इट इज इन द मीटर देन उसका यूनिट टाइम कित में रहना चाहिए सेकेंड में सो स्पीड मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट सो फॉर्मूला फॉर द स्पीड इज डिस्टेंस ट्रांसफर बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर्सिंग द डिस्टेंस व्हाट आर द यूनिट किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकेंड सो इट कंप्लीट्स आर चैप्टर मोशंस एंड टाइप्स ऑफ मोशन सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर दोस्ट दैट चेंजेस देयर पोजिशन कंटिन्यूसली सो हमें ये पता चला कि मोशन क्या है मोशन मीन्स द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन विच चेंजेस देयर प्लेस और पोजिशन कंटिन्यूसली उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोशन The various type of motions are linear motion, uniform linear motion, non-uniform linear motion, oscillatory motion, circular motion, periodic motion, and random motion. The distance traversed by an object in unit time is called as speed. So homologous speed ke mein pada. So what is speed? The distance traversed by an object in unit time is called as speed. So the time required to traverse a certain display distance. डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं वहाँ का जो डिस्टेंस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए टाइम जो कितना टाइम में कवर किया वो देखना चाहिए सो इट डिपेंड्स ऑन द सो स्पीड इज डिपेंड्स ऑन द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसवर्स अटेन डिस्टेंस सो इट कंप्लीट्स आर चैप्टर आई होप एवरी वन क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट दिस मोशन and different type of motions like linear non-linear non-uniform linear uniform linear circular linear circular oscillatory periodic random motion and about the speed so it completes our chapter next we will meet with a new concept and new chapter till then take care and study well